देखो कैसे घर में मिलता संजय बाबू मेहनत जो है ना आपकी सेवा के लिए है। आप इस बात को यकीन रखिए कि पुलिस हमेशा आपके लिए साथ है, लेकिन आप लोगों को भी साथ देना होगा, गांव के लोगों को साथ देना होगा। ये गांव में दो चार आदमी दारू बेच के करोड़पति हो जाए, लेकिन आप पूरे गांव के बच्चे को तो खराब कर दे रहा है, फैमिली को खराब कर दे रहा है, उसके आचरण को खराब कर दे रहा है। जितने लोग पीने में गए, जितने लोग बेचने में गए, उनकी स्थिति तो खराब हो गई। इसलिए सभी बंदे हैं, यदि सूचना देते हैं तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा और हम लोगों को भी काम करने में मजा आएगा। इसलिए आप सभी बंदों से आग्रह है कि इस गाँव में जो बदनामी का टीका लगा हुआ है, इस बदनामी से आपको अगर बचना है, अगर जान से दारू मिटाना है, तो आप पुलिस को कृपया साथ दें। पुलिस आप लोगों के लिए तत्पर है, आपके लिए हर टाइम अवेलेबल है। जब भी जिस वक्त रात के 12 बजे 2 बजे 4 बजे भोर में भी आप चाहेंगे कि हमारी पुलिस आपके पास आपकी सेवा करने आएगी तो तुरंत आएगी। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, सभी गाँव वासियों से, सभी माता बहनों से, कि अगर कचने और दुखवाने वाली बात, पीने वाली बात, तो अवश्य हम लोगों को सूचना दें। आपकी गोपनीयता, आपकी सूचना को बचा के रखा जाएगा और इसकी जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी। हम और आप जो भी थानेदार को आप बताएंगे उन्हीं के नॉलेज में रहेगा। फोन करके आप सुन रहे आपने का राशन कार्ड भी बंद होने जा रहा है, 5 साल की सजा होगी, 2 लाख रुपए का फाइन भी होगा। अगर इस चीज़ों से बचना है, करने से बचना है, तो आप बिल्कुल पुलिस को साथ दें और आपके साथ पुलिस 24 घंटा है, आपकी मदद करने के लिए, आपके लिए तैयार है। इसलिए आप इस तरह से उद्घाटन किया। देखिए, जहाँ तक शराब के लिए छापामारी और ऑपरेशन शराब का है, ये हम लोगों का राउंड द क्लॉक हर महीने चलने वाला अभियान है। कभी ज़्यादा कभी कम चलता रहता है अभियान। कभी आप लोगों के संज्ञान में ये मामले आते हैं, कभी आपके संज्ञान में मामले नहीं आते हैं, लेकिन हर दिन हम लोगों की तरफ से छापामारी और इस तरह के अभियान चल रहे हैं। कुछ अभियान जो है कि अभी चूँकि दूसरे ज़िले में इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं, तो इसलिए आप लोग के भी संज्ञान में ज़्यादा है, लेकिन इस तरह की घटनाएं जैसे मुसहर टोली की जो घटनाएं होती हैं, नोनिया टोली में जो छापामारियां हैं, ये हर समय जो है कि हर सप्ताह जो है कि हम लोग जॉइंट ऑपरेशन जो है कि 2-3 थानों को मिला के 4 थानों को मिला के ऑपरेशन करते रहते हैं और इसमें जो है कि हम लोग की सफलताएँ प्राप्त होती रहती हैं। तो इस बार भी जो है कि हम लोगों ने कुछ शराब जो रॉ मटेरियल थे उसका भी नष्टीकरण हम लोगों ने किया है। करीब 600 के आसपास पूरे ज़िले में जो है हम लोगों ने शराब, देसी विदेशी शराब को हम लोगों ने पकड़ा है। DI साहब 2-3 इशू पे चर्चा करने के लिए आए थे। एक तो चुनाव का इशू था कि आगामी दिनों में जो 4 फेज में चुनाव हम लोगों का है, उस बिंदु पे विस्तार से चर्चा किए। जो छठ पर्व, आस्था का महान पर्व है, उसकी तैयारी की समीक्षा किए, क्योंकि हम लोगों का क्राइम मीटिंग था तो जो लंबित कांड है, लंबित कुर्की है, उसकी भी समीक्षा किए और मद निषेध के कारणों का विस्तार से समीक्षा की है कि कितना रिकवरी है, कितनी बरामदगी है, कितनी गिरफ्तारियां हैं। और जो उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती ज़िले हैं, बलिया और गाजीपुर, उनसे क्या समन्वय स्थापित करके हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, इस पर विस्तार से हम लोगों से चर्चा की है और कुछ दिशा निर्देश भी दिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।